हेलो नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सक्सेसफुल में। बीटीयूपी से दो ऑफिशियल नोटिस आए हैं और चार बड़ी खबर निकल के आ रही है। अब तो हद हो गई है, आखिरकार रीचेक का रिजल्ट कब आएगा? बच्चे कमेंट करके परेशान हो रहे हैं, आखिरकार रीचेक का रिजल्ट कब आएगा? पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। और जो पहली है, सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें, शेयर भी कर दें ताकि आपको सही प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें ताकि टेलीग्राम को किसका मॉडल पेपर चाहिए। मैंने फोर्थ सेमेस्टर वालों के सब करा दिए लगभग, है ना। यहाँ पर देखिए सारे मॉडल पेपर हैं, सेकंड वालों के भी हैं। सबसे पहले हम नोटिस की बात करेंगे, ये नोटिस आया ऑफिशियल, है ना। देखिए रीचेक की बात करें हम तो देखिए उन्होंने बोला था पहले 10 तारीख तक आ जाएगा, लेकिन 10 तारीख निकल गई। अब ये लोग बोल रहे हैं 15 तक आएगा, 15 से 20 तक आपका रिजल्ट आएगा। अब मान लो कभी भी आता है तो मैं वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, तो आप इंतजार करते रहो, हो सकता है 15 से 20 के बीच में आपका रिजल्ट आ जाए। 15 जून से 20 जून के बीच आपका रिजल्ट आ सकता है, हो सकता है कि 15 जून तक ही आ जाए। और जैसे ही आएगा आपका रीचेक का रिजल्ट, सबसे पहले हमारे वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए नोटिस आया बीटीयूपी से ऑफिशियल, इसमें बताया जा रहा है, यहाँ पर देखिए नए कोर्स, नवीन पाठ्यक्रम यहाँ पर लागू किए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियोस के माध्यम से बताया था कि 4 नए कोर्स लागू करे जा रहे हैं हमारे बीटीयूपी बोर्ड में, तो वही नोटिस है यहाँ पर देख सकते हो। उसमें बताया जा रहा है पीजी डिप्लोमा इन डाटा साइंस, जो कि एक ईयर का रहेगा, एक ईयर मतलब एक साल के ये नए कोर्स लागू किए जाएंगे। और इसमें कौन कौन एडमिशन ले सकता है यहाँ पर देख सकते हो, बैठक हुई है और जिसमें बताया गया है कि नए कोर्स यहाँ पर लागू किए जाएंगे, किए जा चुके हैं। ये नोटिस भी है ऑफिशियल, है ना। इस ऑफिशियल नोटिस को देखने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वहां पे हम ये नोटिस सेंड कर देंगे। इसमें बताया जा रहा है जो देखिए डिप्लोमा इन पीजी, और ये तो आप पहला नोटिस जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख लिया, ठीक है। दूसरा नोटिस बच्चों ये निकल के आ रहा है, आप लोगों की जो एग्जाम स्कीम चेंज हुई थी कल की डेट में, मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था कि आपकी स्कीम चेंज हो चुकी है, वही नोटिस है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका जो स्कीम है वो चेंज कर दिया गया है ना। और जो आपका टाइम टेबल है वो 25 तारीख से आपके एग्जाम होंगे, और 17 यहाँ पर देखते हो बताया जा रहा है 25 जून से आपके एग्जाम होंगे और 15 जुलाई तक आपके एग्जाम चलेंगे, ठीक है। इसमें बताया जा रहा है प्रस्तावित है, वेबसाइट पर टाइम टेबल जारी कर दिया, मैंने कल वीडियो में आपको बताया था, वही सब चीजें यहाँ पर है, त्रुटि वगैरह थी तो उसको मतलब हुई थी उसको समाप्त कर दिया गया है और संशोधन टाइम टेबल कर दिया गया। यहाँ पर खुद देख सकते हो वेबसाइट के माध्यम से सारी चीजें अपडेट कर दी गई है, ठीक है। तो ये दो नोटिस रहे। अब बात करते हैं मेन टॉपिक के बारे में, स्कीम कल चेंज हुई थी, मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया था। यहाँ पर देखिए पॉलिटेक्निक संस्थानों में होगी साइबर सुरक्षा व ड्रोन टेक्नोलॉजी की पढ़ाई, ये नोटिस मैंने आपको दिखाया था कि, है ना, तो वही नोटिस के बारे में पेपर में भी दिया, आप खुद यहाँ पर रीड कर सकते हो। उसके बाद देखिए पॉलिटेक्निक के छात्रों से पूछा कैसे करें पठन में सुधार, राजकीय पॉलिटेक्निक विकास के नगर में कई छात्रों से मतलब ऐसी ऐसी बात पूछी गई कि मतलब पढ़ाई में कैसे सुधार करा जाए पॉलिटेक्निक कॉलेजों में। आप बताइए आपके यहाँ क्लासेस वगैरह चलती है नहीं चलती है? मैंने देखा कई कॉलेज ऐसे जहाँ क्लासेस चलती नहीं है, बस नाम के मतलब कॉलेज चल रहे हैं ना, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। और नोटिस के माध्यम से इन्होंने बताया कि प्रयोगशाला कराई जाए, और जिससे मतलब बच्चों की जो प्रधानाचार्य जी ने बताया कि हर क्षेत्र में यहाँ पर ऐसे मतलब बच्चे होते हैं और ऐसे में सुझाव दे रहे हैं कि छात्र द्वारा दिए गए सुझाव को विचार विमर्श यहाँ पर किया जाएगा। तो ये तो रहे नोटिस और चार बड़ी खबर बीटीयूपी के रिगार्डिंग। और बच्चों जैसा कि आप लोग बार बार कमेंट कर रहे हो रीचेक के रिजल्ट के बारे में, देखिए 15 से 20 या फिर कभी भी जैसे भी आता है, हालांकि पहले ये लोग बोले थे हम 10 जून को रिजल्ट देंगे रीचेक का, अभी लोग बोल रहे हैं कि जो आप रीचेक का रिजल्ट है वो हो सकता है कल परसों या फिर 15 से 20 के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा, इतना मालूम है एग्जाम से पहले जरूर आ जाएगा। तो ये नोटिस आपके समझ में आ गया स्टूडेंट्स, तो फिर आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।